दिखा देता हूँ, सेक्शन 32। सी दिस इज योर एक्ट एंड ये आपका सेक्शन 32 है। कैन एनी ऑफ यू रीड इट? द कमीशन सेल पढ़ सकता है कोई? यस सर। एक्ट एक्ट्स टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया बट हैविंग एन इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। द कमीशन सेल नोट विद स्टैंडिंग डेट ए एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 3 हैज बीन इंटर्ड इनटू इंडिया आउटसाइड इंडिया और बी एनी पार्टी टू सच एग्रीमेंट इज आउटसाइड इंडिया और सी एनी इंटरप्राइज अब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन इज आउटसाइड इंडिया और बी ए कॉम्बिनेशन हैज टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया और ई एनी पार्टी टू कॉम्बिनेशन इज आउटसाइड इंडिया और एफ एनी अदर मैटर और प्रैक्टिस और एक्शन अराइजिंग आउट ऑफ सच एग्रीमेंट और डोमिनेंट पोजिशन और कॉम्बिनेशन इज आउटसाइड इंडिया हैव पावर टू इंक्वायर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शंस 19, 20, 26, 29 एंड 30 ऑफ द एक्ट इनटू सच एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन इफ सच एग्रीमेंट और डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन हैज और इज लाइकली टू हैव एन एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन द रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया and pass such order as it may stop for it bhai. So our work is done. So it clearly says agreement chahe aapka bahar hua ho, dominant position ka abuse chahe bahar hua ho, uska effect agar India mein hai to CCI jo hai us pe jurisdiction rakhega. Aisa MRTP act ke andar nahi tha. So hamare law ko, competition law ko comprehensive banane ke liye ye extra territorial की रिकमेंडेशन भी राघवन कमेटी ने की। सो राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन उन्होंने सबमिट कर दी और उन्होंने एक ड्राफ्ट जो बिल है वो भी बना के दिया। एंड दिस बिल वाज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द राघवन कमेटी वाज पुट बिफोर द पार्लियामेंट। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। Now this bill was put before the parliament. In the parliament, the debate happened and finally it was passed by both houses of the parliament, because parliamentarian also, when the object and reason was put, उन्होंने देखा कि yes, it is necessary. International level पे भी pressure हैं. India is the party to the World Trade Organization. और जब World Trade Organization की party हैं तो जो उसके जो agreements हैं, GATT, TRIPS, उनके अकॉर्डिंग भी हमें जो है वो देना पड़ता है, जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है, बिकॉज इंडिया ने वहाँ पे प्रॉमिस किया है। सेकंड थिंग, जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ और उसके बाद में जो अमेंडमेंट हुआ, बट दैट MRTP एक्ट वाज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज राघवन जो कमीशन था उन्होंने प्रॉपरली उसको पूरा एनालाइज करके उसकी रिपोर्ट रखी। एंड सो इट इज़ गुड टू पास दिस लॉ, जो कि इंडिया के अंदर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर, और जब कॉम्पिटिशन होगा, जब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन नहीं होगा, सो दैट विल प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री आल्सो, एवरीवन विल गेट द फेयर चांस एंड दिस कॉम्पिटिशन रिजीम विल बेनिफिटेड टू द कंज्यूमर आल्सो। दिस कॉम्पिटिशन रिजीम विल बी सोशल गुड। सो इट वॉज पास बाई बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। It got the president assent in January 2003. And if you see the preamble of the Competition Act, the preamble has five-fold purposes. The five-fold purposes, and one of that purpose is to protect the interest of the consumer. Let's just come to the preamble when this act starts. After this short title, there is सम इटैलिक लाइंस आपके एक्ट में, यहाँ पे ये पूरा मैं इसको हाईलाइट, ये देखो, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, एन एक्ट टू प्रोवाइड
keeping in view of economic development of country for the establishment of commission. So first purpose is to establishment of commission to prevent practices having adverse effect on competition. Second, to promote and sustain competition in market. Third, to protect the interest of consumer. Fourth, to ensure freedom and trade carried on by other participant in the market. Five, in India and for matters connected therewith or incidental thereto. That means there are these fivefold purposes. First purpose, that there will be a CCI, Competition Commission of India. Second, that CCI will ensure that there will be no adverse, any practices that have adverse effect on the competition. Third is to promote and sustain competition. Fourth is to protect the interest of consumer. And fifth is to ensure freedom of trade carried by other participant in India. And with these fivefold purposes, this Competition Act was enacted. Then it was notified, but before this act was notified, there was a writ petition filed by a lawyer, and that name of that case is Brahmadat versus Union of India. So we will discuss, but before that, we have to understand the position of the CCI. This CCI, that through this act, government wanted to establish through this law, was to having a market regulator, to establish a market regulator. And for this purposes, this quasi judicial body wanted to be established by the government so that it will have the, it will regulate in the market and also will, through its quasi judicial power, will decide also. Quasi judicial, usko bolte hain, jahan pe बॉडी जुडिशियल ना हो. तीन तरह के फंक्शन होते हैं. एक होता है आपका जुडिशियल फंक्शन, जैसे कि कोर्ट है. सो कोर्ट का काम ही है एडजुडिकेट करना, कोर्ट का काम ही है फैसले को निपटाना. सेकंड होता है कोसाई जुडिशियल. कोसाई जुडिशियल, सपोज आपके कॉलेज के अंदर लॉ सेंटर वन में या फैकल्टी ऑफ लॉ में या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई इश्यू होता है, कोई गर्ल कंप्लेन करती है कि मेरे को कोई परेशान करता है, तो अब उसको पनिश करने के लिए, बिकॉज देर इज पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस, देर इज गाइडलाइंस, अब ऐसा तो नहीं उसको यूनिवर्सिटी जज के पास ले जाएगी, उसी में यूनिवर्सिटी के टीचर्स की एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर देती है और वो बॉडी उस मैटर को डिसाइड करती है. तो ये बॉडी जज तो नहीं है, दे आर नॉट जज, दैट इज नॉट कोर्ट, बट वट दे आर डूइंग, दे आर एडजुडिकेटिंग द डिस्प्यूट. So, इस तरह की जो बॉडी जो ऐसा वर्क करती है उन्हें कोसाई जुडिशियल बॉडी बोलते हैं या कोसाई जुडिशियल वर्क बोलते हैं. और जो थर्ड वर्क होता है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन द नेचर, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें कोई डिसीजन नहीं होते. एंड एज पर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यू आल्सो अवेयर दैट ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ कोसाई जुडिशियल बॉडी देर इज नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. जो कोर्ट के अंदर तो एक पूरा प्रोसीजर है, सिविल कोर्ट होगा तो आपका सीपीसी अप्लाई होगा, सिविल प्रोसीजर कोड 91908. क्रिमिनल अगर मैटर होगा तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका अप्लाई होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. और उसमें पूरा प्रोसीजर है कि पार्टीज को फेयर चांस मिले रिप्रेजेंटेशन का, पार्टीज जो है वो प्रॉपरली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके. लेकिन जब कोसाई जुडिशियल बॉडी फंक्शन करती हैं तो उनके पास ऐसी गाइडलाइन नहीं होती और इसलिए उनके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तीन इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो एलिमेंट हैं. पहला एलिमेंट है राइट ऑफ हियरिंग, यानी दोनों पार्टियों को कम से कम सुन तो लो, सुनने दोनों पार्टियों को अपना केस रिप्रेजेंट करने का अधिकार है. No one can be condemned without hearing. Suppose किसी ने कंप्लेन किया, किसी गर्ल ने कंप्लेन किया कि ये लड़का मुझे जो है परेशान करता है, he was doing ill teaching. But आपने उस लड़के को बिना रिप्रेजेंटेशन, उसको बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए हुए उसके खिलाफ जो है आपने
ऑर्डर इश्यू कर दिया, उसके खिलाफ जो है उसको कॉलेज से डिबार कर दिया या और कोई एक्शन ले लिया जो कि आप ले सकते हैं लीगली, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वॉयलेट हो रहा है, बिकॉज उसको भी है, और इसीलिए सो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आप बताओ कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, आप अपने आप को प्रूव करो, रिप्रेजेंट करो। सेकेंड होता है इन रे कोजो सुआ, दैट मीन नो वन कैन बी जज इन इज ऑन कॉज। सपोज कोई टीचर है ए, और वो कहता है कि मुझे स्टूडेंट ने बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज में बात की, अब्यूसिव लैंग्वेज में जो है मेरे को गालियाँ दी, और जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी में उस बंदे को भी रख दिया जाता है जो ये कंप्लेन करता है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो ह्यूमन टेंडेंसी है, उसका तो परसेप्शन है, वो एलेज ही कर रहा है, तो वो जो है उस जजमेंट को इफेक्ट करेगा। सो दैट पर्सन इज द पार्टी एंड सो ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ दैट बॉडी। इसको कहते हैं नो वन कैन बी जज इन इज ऑन कॉज, इन रे कोजो सुआ। एंड थर्ड इज रूल अगेंस्ट बाइसनेस। सो जो बाइसनेस का रूल नहीं होना चाहिए, सपोज जो कोसाई जुडिशियल बॉडी में है और उसी का कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो जिसको हम पेक्नरी बाइसनेस कहते हैं, या उसी का कोई उसी का बेटा है और वो ही बंदा जो है कमिटी में है, तो जाहिर सी बात है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेगा या नहीं भी करेगा, तो उसको हम बाइसनेस के हिसाब से देखते हैं, बिकॉज जस्टिस नॉट ओनली टू बी डन बट इट सीम्स टू बी डन। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में वो प्रिंसिपल अप्लाई करता है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो बाइसनेस प्रिंसिपल है उसी को दिखाता है कि वो बाइस्ड हो या ना हो, बट देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस। सो पेकुनरी बाइसनेस, पर्सनल बाइसनेस, डिपार्टमेंटल बाइसनेस, सो ये इस तरह की चीजें हमारे पास होती हैं। सो जो सीसीआई को है उसको ड्यूल फंक्शन दिया गया कॉम्पिटिशन एक्ट में, कि एक तो ये मार्केट रेगुलेटर होगा। मार्केट रेगुलेटर का मतलब जैसे कि लो है आपका मोटर व्हीकल एक्ट, एंड एज पर मोटर व्हीकल एक्ट ए टू व्हीलर राइडर हैज टू वियर हेलमेट, ए फोर व्हीलर राइडर हैज टू वियर बेल्ट। लेकिन आप बेल्ट पहने ही रहें, पहन के ही चलाएं, या आप हेलमेट पहन के ही चलाएं, इस चीज को इंश्योर करने, इसको पिनलाइज तो कर दिया कि इसके लिए पनिशमेंट है अगर आप ये काम नहीं किए तो, लेकिन इसको इन्फोर्स कैसे करोगे? केवल लॉ मात्र बनाने से तो नहीं इंश्योर हो सकता, तो हमारे पास में ट्रैफिक पुलिस है, एंड द ट्रैफिक पुलिस इज लाइक द रेगुलेटर एग्जीक्यूटर, जो इस एक्ट को एग्जीक्यूट करता है। इफ पुलिस फाउंड यू दैट यू आर नॉट ऑब्जर्विंग द यू नो द रूल्स ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, सो दे कैन टेक द एक्शन। और वो एक्शन क्या होता है कि वो चालान बनाएंगे। चालान इज लाइक चार्जशीट इन द सीआरपीसी सेक्शन 173। वो चार्जशीट कहते हैं कि आपको यहाँ फाउंड किया गया, एंड दैट इज नॉट ही इज डिसाइडिंग द थिंग विल बी डिसाइड, द केस विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, इट विल बी रेफर टू द कोर्ट। लेकिन अगर आप एडमिट कर ही लेते हैं तो उस समय पे करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। सो हियर जो हमने जो कॉम्पिटिशन लॉ बना रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन एक बना है, तो उसमें मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है, इसकी इंक्वायरी करेगा कौन, इसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन इस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा, उसके लिए है सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड गलती क्या हुई, गवर्नमेंट ने उसको कोसाई जुडिशियल बॉडी भी बना दिया, कि अगर वो रेगुलेट करके एग्जीक्यूट करके किसी पे कहता है कि भाई आपने जो है वॉयलेशन किया है सेक्शन 3 का या सेक्शन 4 का, तो उसके ऊपर जो फाइनली जो पावर होगी उसको डिसाइड करने की, वो भी सीसीआई के पास होगी। ठीक है, उसके बाद में सीसीआई का जुरिडिक्शन सेक्शन 19(1)(a) में है। सो कॉम्पिटिशन एक्ट में कहा कि इसके ये कॉग्निजेंस कैसे लेगा सीसीआई, इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ। तो फर्स्ट 19(1)(a) में तीन तरह का से कॉग्निजेंस ले सकता है सीसीआई। वन इज सू मोटो, दैट डायरेक्टली इफ सीसीआई फाउंड कि ये गलत हो रहा है, कोई कंपनीज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में है या कोई कंडक्ट जो डोमिनेंट इंटरप्राइज का अब्यूसिव है, तो उसमें वो स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। सेकंड कि जो है कोई भी इंफॉर्मेशन के थ्रू, अर्लियर कंप्लेंट था कि कोई भी पर्सन है वो कंप्लेंट या कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट के थ्रू जो है मैटर को सीसीआई के ब्रॉट ला सकता है, लेकिन बाद में
इस चीज को कंप्लेंट को जो है वर्ड को हटा के अमेंडमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन किया गया। बिकॉज कंप्लेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कंप्लेंट जो कोई फाइल करता है तो कंप्लेंट के बाहर बॉडी डिश्यू जो है वो नहीं जा सकती, जितनी कंप्लेंट है उसी चीज को डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं कि उसके बाहर भी चला जाए। ठीक है, तो कसाई जुडिशियल बॉडी के लिए जो वर्ड कंप्लेंट है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। द कसाई जुडिशियल बॉडी कैन नॉट गो बियॉन्ड द कंप्लेंट, कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्लीडिंग ऑफ द कंप्लेनेंट। सो उसने कहा कि हो सकता है जब किसी ने कंप्लेंट किया, जिस समय कोई जानकारी दी, उस समय उसको सारी चीजों का नहीं पता हो सकता और ये वर्ड कंप्लेंट जो है प्रॉब्लमेटिक है, तो अमेंडमेंट के थ्रू उस वर्ड कंप्लेंट को हटाकर इंफॉर्मेशन किया। इंफॉर्मेशन एक रिलैक्स वर्ड है कि कोई भी बंदा जो है जानकारी दे सकता है और जानकारी देने के बाद में उसके ऊपर एक्शन होगा। और जो है इस तरह से इसके जो एक्ट है इसको बड़ा ही जो कॉग्निजेंस लेने की जो पावर है इसको बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव हमने बना दिया। अब कंपटीशन एक्ट के अंदर जो आपका जो ये सारी प्रोविजन हुए कि तीन प्रोविजन होंगे जो कि सब्सटेंटिव नेचर के होंगे, सेक्शन 3, 4 एंड 6। सेक्शन 5 जो है वो सेक्शन 6 को ही सपोर्ट करता है और इन एक्टिविटीज जो कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं इनको रेगुलेट जो करना है इनके लिए एक बॉडी बनाई गई CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और CCI का ड्यूल फंक्शन है, फर्स्ट इट इज एज ए मार्केट रेगुलेटर एज एन एक्सपर्ट बॉडी एंड सेकंड इट इज आल्सो कसाई जुडिशियल फंक्शन, इट आल्सो डू द कसाई जुडिशियल फंक्शन और अदर प्रोविजन आर जस्ट द प्रोसीजरल। जैसे कि सेक्शन 19 जो है वो रिलेटेड है इंक्वायरी ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। सेक्शन 20 है वो रिलेटेड है इंक्वायरी ऑफ सेक्शन 6 और 19 के बाद में सेक्शन 26, 27 एंड 28 जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की जो इंक्वायरी होगी वो एक तरीके से होगी और उसके लिए है सेक्शन 19, सेक्शन 26, सेक्शन 27। 4 की के इंक्वायरी के लिए सेक्शन 19, सेक्शन 26, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28। सेक्शन 19 में कॉग्निजेंस और पैरामीटर्स दिए गए हैं, सेक्शन 26 में इंक्वायरी का प्रोसीजर है, सेक्शन 27 में कौन से ऑर्डर पास कर सकता है और CCI 5 तरह के ऑर्डर पास करता है, सीज एंड डिसीस्ट ऑर्डर, पेनल्टी ऑर्डर, इस तरह के 5 तरह के ऑर्डर करता है जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 27 के ABCDE में। और सेक्शन 28 अप्लाई होता है जब इंक्वायरी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में के लिए होती है, तो सेक्शन 27 के 5 ऑर्डर भी पास कर सकता है CCI एंड अलोंग दैट सेक्शन 28 में डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज आल्सो कैन बी डन बाय द CCI। उसके अलावा CCI के कैसे एस्टेब्लिशमेंट होगा, इसके कितने मेंबर होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगा, इन्वेस्टिगेटिंग विंग जो है CCI की जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं उसकी क्या पावर होगी, और उसके बाद में जो आपकी पेनल्टी से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है, उसके बाद में आपके पास जो एग्जेम्पशन क्लॉज है सेक्शन 54 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन फंड एटसेट्रा, दैट मीन अदर प्रोविजंस जो हैं दैट आर इंसिडेंटल इन द नेचर। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कंपटीशन लॉ जो डेवलपमेंट है कंपटीशन एक्ट का वो डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट इनेक्टमेंट डेवलपमेंट, जो एक्ट बन गया उसके बाद में कंपटीशन लॉ में क्या डेवलपमेंट हुए, क्या चेंजेज आए, किस तरह का उसमें जो है परिवर्तन हमें देखा गया। सो आप नेक्स्ट लिख सकते हैं पोस्ट इनेक्टमेंट डेवलपमेंट। अब पोस्ट इनेक्टमेंट डेवलपमेंट समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो एक्ट है उसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अगर आपको पास एक्ट जो डायरेक्ट फिजिकल फॉर्म में है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा बिकॉज उसमें अमेंडमेंट से पहले के प्रोविजन भी दिए गए हैं। जब कंपटीशन एक्ट 2003 में तैयार हो गया हमारे पास प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, जो आपके पास बेयर एक्ट होगा उसमें एक्ट स्टार्ट होने से पहले आपके पास एक इस तरह की चीज दिखाई जाएंगे। पहला जो यहाँ से एक्ट आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से एक्ट स्टार्ट होता है, उससे पहले एक पेज उस पर लिखा हुआ है
कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इंट्रोडक्शन, और फिर सेकंड इसमें है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। इस स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन को शॉर्ट में SOR बोलते हैं, एंड दिस SOR इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज SOR हमें दो चीजें बताता है। पहली चीज कि ये ऑफिशियल स्टैंड बताता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने इस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसकी क्या जरूरत थी। और सेकंड ये बताता है कि इस बिल में जो कि कानून बनेगा, एक्ट बनेगा, इसके अंदर क्या स्ट्राइकिंग फीचर हैं, क्या सैलियंट फीचर हैं। आप लोगों को मिल गए स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस? यस सर। हाँ, सो अब इस स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन का जब आप थर्ड पैरा पढ़ेंगे तो उस थर्ड पैरा में स्पेशल लिखा हुआ है कि जो CCI होगा ये मार्केट रेगुलेटर भी होगा एज वेल एज इट विल बी कोसाई जुडिशियल बॉडी आल्सो। ठीक है, उसके बाद में आप सेक्शन 17 देखिए। सेक्शन 17 जो है आपका वो अभी तो जो सेक्शन 17 जो है अभी नया है, उस पर देखोगे कि कुछ नंबरिंग लिख के नीचे उसका अमेंडेड सेक्शन है, पहले अमेंडमेंट से पहले का वो सेक्शन है। सो जो अमेंडमेंट से जो पहले का सेक्शन है उसको आप नीचे देखोगे तो आपको मिल जाएगा, और उसमें किस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं, रजिस्ट्रार एंड ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द कमीशन। मिला आप लोगों को आपके डायरेक्ट के पेज नंबर 18 पे सेक्शन 17 है, और सेक्शन 17 में ये देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये पुराने वाले में रजिस्ट्रार, ये राइट साइड में देखो जहां पे कर्सर है, रजिस्ट्रार एंड ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द कमीशन। अब रजिस्ट्रार कहाँ पे होते हैं? रजिस्ट्रार तो कोर्ट्स में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन 22 बेंचेस ऑफ कमीशन, सेक्शन 23 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस ऑफ कमीशन अमंग्स बेंचेस, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 37 आप देखिए जो अमेंडमेंट से पहले था अभी रिपील हो गया, रिव्यू, सेक्शन 39 एग्जीक्यूशन, सेक्शन 40 दैट डायरेक्ट अपील विल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड सो अगर इस एक्ट को देखें तो ये CCI को एक एडजुडिकेटरी बॉडी इन द इसेंस बनाना चाहता था, और यहीं से पूरे फसाद की कवायद शुरू हुई। उसी के साथ में सेक्शन 8 जो है, जो कि अमेंडमेंट से पहले आपको मिल जाएगा सेक्शन 8, उसमें ऊपर तो आपके पास अमेंडेड है, नीचे आप देखोगे फुटनोट में तो वहाँ पे सेक्शन 8 अमेंडमेंट के साथ में है, और उसमें है उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ कमीशन। सेक्शन 8 जो है वो चेयरपर्सन कहता है कि चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग एंड हु हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट और हैज द स्पेशल नॉलेज ऑफ एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर। मतलब बॉडी तो आप बना रहे हो एडजुडिकेटरी ट्राइब्यूनल टाइप की बॉडी, तभी तो आप रजिस्ट्रार कर रहे हो, तभी तो आप रिव्यू की पावर दे रहे हो, तभी तो आप डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हो। जैसे कि हमारे पास इन्वायरमेंटल लॉ में NGT होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उससे डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट को जाती है, हाई कोर्ट बाईपास है। तो आप बना तो इसको मार्केट रेगुलेटर भी रहे हो, साथ में साथ इसको एज ए ट्राइब्यूनल के रूप में फॉर्म कर रहे हो जिसका कि मेन फंक्शन एडजुडिकेशन है। और सेक्शन 9 जो था दैट डिस्कस द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर एज पर द गवर्नमेंट इनेक्टेड रूल, कैसे होगा सिलेक्शन, कि गवर्नमेंट रूल फॉर्म करेगी, एंड गवर्नमेंट ने रूल फॉर्म किए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सेलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द कमीशन रूल 2003। और दिस ये जो रूल बनाए CCI सेलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ कमीशन रूल, इसका रूल नंबर 3 कहता है कि ए पर्सन हु हैज बीन रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और रिटायर्ड चेयरपर्सन ऑफ ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन, यानी इस एडजुडिकेटरी बॉडी का हेड कौन होगा, ये कोई जज भी हो सकता है और कोई एक्सपीरियंस पर्सन, कोई एक्सपर्ट पर्सन भी हो सकता है। और इन्हीं दोनों इश्यूज को लेके ब्रह्मदत्त ने एक रिट पिटीशन फाइल की एक्ट बनते ही सुप्रीम कोर्ट के बिफोर।
और ब्रह्मदत्त का आर्ग्यूमेंट ये था, ब्रह्मदत्त वाज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, उन्होंने कहा कि देखो ये जो एक्ट है सीसीआई, जो एक्ट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस एक्ट के अंदर बढ़िया है एक्ट बनाया आपने, कंपटीशन आप मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन आपने जो ये सीसीआई बॉडी बनाई है ये क्या बना दिया, ये तो एडजुडिकेटरी फंक्शन भी कर रहा है और एग्जीक्यूटिव भी फंक्शन कर रहा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 1550 में 50 में डायरेक्टली जो है डायरेक्शन है कि स्टेट विल सेपरेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन फ्रॉम द यू नो दैट एडजुडिकेटरी फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टेट जो है, स्टेट एक बूढ़े पिता की तरह है और इसके तीन बेटे हैं। पहला है लेजिस्लेचर जो काम करता है लॉ बनाने का, सेकंड है आपका जो है कि एग्जीक्यूटिव जो कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और थर्ड जो है वो है जुडिशियरी जो कि उस लॉ के इम्प्लीमेंट के बाद में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट को डिसाइड करता है। और ये जो स्टेट नाम का जो बूढ़ा पिता है, इसके ये तीनों बेटे आपस में लड़ ना लें कि कौन सा किसका काम कर रहा है, एक दूसरे का काम ना छीन ले, इसलिए एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। घर में होता है ना कि भाई सब अपना अपना काम करो, नहीं तो फिर पंगा हो जाएगा। सो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये प्रिंसिपल वेल एस्टेब्लिश्ड है, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। वहां पे जो गवर्नेंस का फॉर्म है दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सो प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव हेड है वो डायरेक्ट चुना जाता है, वो अपनी टीम जो है डायरेक्ट रखता है, और लेजिस्लेशन का काम वहाँ पे जो वहाँ कांग्रेस है तो हाउस ऑफ कॉमन और सीनेट वो वहाँ पे चुने जाते हैं, और जुडिशरी जो है वो सेपरेट है। बट इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम अपना जो चुनते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमने जो जो एमपी चुने उन्हीं के बीच से एग्जीक्यूटिव निकलते हैं जो कि सरकार फॉर्म करते हैं। लेकिन राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ जो ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली तो ऐसे नहीं है बट फंक्शंस आर वेरी मच सेपरेटेड एंड सो प्रिंसिपल और यू कैन से डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इज एप्लीकेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। और उस केस के बाद में हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर को आपको पढ़ाया भी जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। सो इसी सेपरेशन ऑफ पावर को बेस बना के ब्रह्मदत्त जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर था, ही फाइल्ड ए रिट पिटीशन, और उस रिट पिटीशन में उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ आर्ग्यूड दिया, लेकिन बेस उसका सेपरेशन ऑफ पावर बनाया कि जो सीसीआई बना दी है आपने, ये सीसीआई चीज क्या बना दी है, एक तरफ ये एक्सपर्ट बॉडी है, एग्जीक्यूटिव भी फंक्शन करती है, एक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम भी इसको दे दिया, और दूसरी बात ये एडजुडिकेटरी फंक्शन भी है, ट्राइब्यूनल की फॉर्म में भी है। सो एक पर्सन जो कि कंडेम किया जाता है इसी एक्सपर्ट बॉडी के द्वारा, वही इसको डिसाइड भी कर रही है कि वो सही है या गलत है, एंड सो इट इज द वॉयलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ दिस केस। सो नेक्स्ट डेवलपमेंट इज दिस केस दैट दिस रिट पिटीशन दैट वॉज फाइल्ड ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 730। मिल गया आप लोगों को ये केस, दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इस केस में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया मोटा मोटी कि केस का बेस क्या है कि दिस सीसीआई दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 violate the basic principle that is separation of the power because CCI is doing both executive as well as the adjudicatory function. और फिर अंदर जाके उसने special grounds भी लिए, वो special grounds भी हम discuss करेंगे। यहाँ पे जो पहला आपका हाँ जो ये पैरा है इसमें आपके facts हैं,
यहां से आप देखो, यहां से मैं करता हूं ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, सो दिस इज अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, ये वाले एंड सेकंड पैरा, आपका ये पूरा सेकंड पैरा जो है इट इज अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, फर्स्ट पैरा एंड सेकंड पैरा अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। और यहाँ इन दोनों फैक्ट में, दोनों पैरा में आपके फैक्ट्स हैं। नाउ देर इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें केस में पढ़ना क्या है। सी नॉर्मली जो हमें केस प्रोवाइड किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के होते हैं। वो पर्पज क्या है केस पढ़ने का, आप सब लोगों ने फैमिली लॉ में भी पढ़ा होगा, जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा कि लॉ के सोर्सेस क्या हैं, सोर्सेस ऑफ लॉ। सो वन सोर्स इज लेजिस्लेशन, डायरेक्ट लॉ है तो वो आपको तुरंत लॉ मिल जाता है। सेकंड आपका जो कस्टम्स होती हैं, जो कस्टम होती हैं दैट इज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ द लॉ। एंड थर्ड जो आपका प्रेसिडेंट जो बताया जाता है। सो जो प्रेसिडेंट जो जिसको बोलते हैं, प्रेसिडेंट मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस। और आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, आर्टिकल 141 एंड 142, ये दोनों आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वो कहता है कि भाई फॉर द कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पास एनी ऑर्डर। एंड दूसरा आर्टिकल कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड। सो जो भी इंटरप्रिटेशन की जो पावर है जो कि आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो कि केस डिसाइड होता है तो उसमें एक्चुअली लॉ क्या है वो इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए केसेस के थ्रू भी एक बॉडी ऑफ लॉ डेवलप होती है। और आपका सारा लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो मोस्टली तो थ्रू द केसेस इट इज डेवलप्ड। सो इसलिए केस से हमें उस पर्टिकुलर प्रोविजन की क्या ट्रू इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ट्रू इंटरप्रिटेशन है वही तो लॉ होगा, कैसे फॉलो होना है, तो ये मिलता है। इसलिए हम लोग केसेस पढ़ते हैं। लेकिन केस में क्या पढ़ना है, कैसे उसको ब्रीफ करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, इसके लिए जो है मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। सी जब भी एक केस का नाम आप देखेंगे, जब भी एक केस का नाम देखेंगे वो नाम अपने आप में बहुत सारी चीजें रिवील करता है। जैसे कि यहाँ पे नाम है ब्रह्म दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नाम में हमेशा दो पार्टी होती हैं, ए वर्सेस बी, बिकॉज हम एडवर्सियल सिस्टम फॉलो करते हैं इसलिए दो पार्टी होती हैं। एक पार्टी केस ले जाती है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट के बिफोर। और नाम की जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसे होती है, इसको आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101 से देखिए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 101 टॉक अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द पार्टी दैट गोज टू द कोर्ट फॉर गेटिंग रिलीफ। ए जो नाम होगा ए वर्सेस बी, कोई भी हो सकता है, जैसे यहां ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो जो ए होगा वो हमेशा वो पार्टी होगा जो उस फोरम पे केस लेके गया। यहाँ पे ब्रह्मदत्त जो है वो केस लेके गया है, तो ब्रह्मदत्त इज द पार्टी ए। किसके अगेंस्ट लेके गया है, यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये पार्टी बी होती है। ये टर्मिनोलॉजी, ये नाम से आप समझ सकते हो। अगर यहाँ पे रिलीफ नहीं मिला किसी केस में और वो सेकंड फोरम पे जाती है, तो कौन सेकंड फोरम पे जाएगा, अपील के अंदर कौन जाएगा, जो एग्रीव्ड है, जिसके फेवर में जजमेंट नहीं आया है, तो वो अपील में लेके जाएगा। और जब अपील में लेके जाएगा तो सपोज ए वर्सेस बी है, बी के अगेंस्ट में जजमेंट आ गया तो बी अपील में जाएगा, तो फिर टर्मिनोलॉजी हो जाएगी बी वर्सेस ए। तो जैसे नाम है तो उस नाम से पता चलता है कि ये जजमेंट जिस फोरम के द्वारा दिया गया उसमें केस लेके गया कौन और किसके खिलाफ लेके गया, यहाँ ब्रह्मदत्त लेके गया यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आता है दैट इज साइटेशन ऑफ द केस। जैसे कि यहाँ पे है साइटेशन ऑफ द केस AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 730। साइटेशन का मतलब ये केस आप कहाँ पे फाइंड करोगे अथॉरिटी। सो ये जर्नल्स हैं, कुछ जर्नल्स हैं जैसे कि AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, ऑल इंडिया रेडियो नहीं है ये, ऑल इंडिया रिपोर्टर। ऐसे ही एक होता है SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, ऐसे ही क्रिमिनल लॉ जर्नल होता है CRLG, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जर्नल होता है CPJ, अलग अलग जर्नल्स होते हैं। लेकिन ये सारे जर्नल लगभग जो है आपके
प्राइवेट जर्नल है, केवल एक ही जर्नल है जो कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री इशू करती है, एंड दैट इज SCR, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। सेकंड इसमें है ईयर, इस जर्नल का कौन से ईयर का, 2005 की वॉल्यूम में, 2005 का। कई बार SCC में वॉल्यूम भी होता है वन समथिंग, तो दैट इज वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो 2005 का। देन फोरम दैट डिसाइड दिस केस, कौन से फोरम ने किया, SC सुप्रीम कोर्ट, अगर ALL होता तो अलाहाबाद हाई कोर्ट, अगर आपका दिल्ली हाई कोर्ट होगा तो वो लिखा होगा, अगर आपका पंजाब एंड हाई कोर्ट होगा तो वो लिखा होगा, मद्रास हाई कोर्ट होगा तो MAD होगा। सो SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, एंड 730 इज द पेज नंबर वेयर यू कैन फाइंड द केस। सो सपोज अगर आपको कहीं ये केस ढूंढना है तो इस साइटेशन के द्वारा इस केस को ढूंढ सकते हैं। अगर जज के सामने जो आप आर्ग्यू कर रहे हो, जो कि आप करोगे, तो उस समय आप जज को कैसे पता कि भाई ये आप जो कह रहे हो ये अथॉरिटेटिव है या नहीं है, जो आप बात कह रहे हो उसके लिए आपको वो अथॉरिटी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी मतलब वो जजमेंट। तो आप वो जजमेंट निकाल के जज साहब के सामने देखोगे कि देखो ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि दिस थिंग इज इंटरप्रेटेड लाइक इट एंड दिस इज द लॉ एंड यू हैव टू अप्लाई इट सर। सो ऐसे ये फाइंड करते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? यस सर, यस सर। नाउ एक केस के अंदर बहुत सारा, कुछ केसेस तो कुछ शॉर्ट में मिलेंगे बट सम केसेस आर वेरी बल्की इन द नेचर। तो एक केस में आपको पांच चीजें देखनी है और पांच ही चीजें पढ़नी है, पांच ही चीजें लिखनी है। अगर उस प्रॉब्लम, उस केस के ऊपर प्रॉब्लम आती है या उस केस का ब्रीफ करना है तो। लेकिन अगर केस आज आप, अगर केस आप एज ए रेफरेंस लिख रहे हैं उसके थ्रू, तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, कई बार केवल केस का इसेंस लिख के भी हम कर देते हैं, जैसे कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग जो कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, तो केवल एक लाइन पे भी कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे ब्रीफ करना हो या आपको केस को ब्रीफ करके पढ़ना हो या केस के ऊपर ही प्रॉब्लम आ जाए तो उस केस को लिखना हो या केस को समझने के लिए आपको पांच चीजें समझनी होंगी। फर्स्ट इज फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स के ऊपर ही केस डिसाइड होता है, लॉ को फैक्ट्स में ही अप्लाई किया जाता है, जो फैक्ट इस्टेब्लिश हो गए उन्हीं के, लॉ को उन्हीं फैक्ट्स में अप्लाई किया जाता है। और इस एप्लीकेबिलिटी में हो सकता है कि एक फॉर्म ट्रायल कोर्ट पे वो डिसाइड हो जाए ए पार्टी के फेवर में, फर्स्ट अपील में वो बी पार्टी के फेवर में हो सकता है, और सेकंड अपील में हो सकता है अगेन वो ए पार्टी के फॉर्म में हो सकता है। फैक्ट्स वही रहेंगे, लॉ वही रहेगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी पे जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है। ओके, सो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब फैक्ट्स में ऐसा नहीं कि सारा फैक्ट जो भी लिखा हुआ है, फैक्ट्स आर दोज दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द केस। समटाइम देर आर सम माइन्यूट डिटेल्स, सो जरूरी नहीं कि वो माइन्यूट डिटेल्स आपको याद ही हों, लिखे ही नो, उनसे केस इधर डिसाइड होना है या दूसरी तरफ डिसाइड होना है, अगर वो अफेक्ट नहीं होता तो वो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको रिमेम्बर करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओनली दोज फैक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, आई मीन दोज फैक्ट्स। सेकेंड है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नॉर्मली वी रीड जजमेंट बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अब सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो बड़ा लिमिटेड है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन अगर स्टेट्स के बीच में केस होता है या स्टेट वन साइड सेंटर अनदर साइड और स्टेट एंड सेंटर वन साइड एंड सम स्टेट्स आर अदर साइड, सो केवल वही ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो ये केसेस और भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं। एक केस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा या किस तरह से हाई कोर्ट में पहुंचा है उसको हम केस हिस्ट्री कहते हैं। लाइक एक तो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया, सेकंड आपका होता है कि वो जो है, कई बार देखते हैं कि पार्टी का नाम, पार्टियों के नाम भी में भी दो पार्टी नहीं केवल एक ही पार्टी होता है और स्टार्ट होता है इन रे, INRE। सो इन रे कब होता है, जब वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से होगा तो नाम से आप पता लगा लोगा, इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इन रे बेरुबारी यूनियन केस। सो इन नाम से है कि ये रेफरेंस केस था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी जो लीगल फ्रेमवर्क था उसमें भी रेफरेंस की पावरें थी, तो पुराने केस में भी आप इन रे देखेंगे। तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के थ्रू भी पहुंच सकता है। थर्ड होता है कि हो सकता है ये अपीलेट जुरिडिक्शन में गया हो, थ्रू अपील सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा हो, तो वो अपील की पूरी आपको होना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड किया, हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, वो आपको शॉर्ट में आप बता सकते हो। फिर फोर्थ फॉर्म होता है कि हो सकता है कि ये स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू गया हो, SLP के थ्रू। और स्पेशल लीव पिटीशन तो डायरेक्ट किसी भी फोरम से जा सकती है, किसी भी लोअर कोर्ट से, इवन ट्राइब्यूनल से जा सकती है। एनी बॉडी दैट हैव ट्रैपिंग ऑफ कोर्ट्स, आर्टिकल 136 में जो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है, दैट इज ट्रैपिंग ऑफ कोर्ट। किसी भी ट्राइब्यूनल, किसी भी फोरम में अगर ट्रैपिंग ऑफ कोर्ट्स हैं तो उससे डायरेक्ट जो है अपील सुप्रीम, सॉरी डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन जा सकती है, लेकिन वो लीव होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करेगा कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियली डिसाइड करेगा। उसको बोलते हैं SLP, स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136। नेक्स्ट आपका आता है कि रिट जुरिडिक्शन के थ्रू, जैसे कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा चैप्टर है 3, उसमें डायरेक्ट हमारे पास राइट है, राइट टू रेमेडी, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि इस केस में ब्रह्मदत्त जी डायरेक्ट चले गए, डायरेक्ट ब्रह्मदत्त जी चले गए सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह हाई कोर्ट में भी 226 में जा सकते हैं। सो ये सेकंड जो पोर्शन पढ़ना है, केस हिस्ट्री, फैक्ट्स ऑफ द केस, केस हिस्ट्री। थर्ड इज इशू और इश्यूज। पूरी जो कंट्रोवर्सी है वो एक दो पॉइंट के ऊपर टिकी होती है, ऑल कंट्रोवर्सी हिंजेस ऑन सम पॉइंट्स, एंड दीज पॉइंट्स हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट बाय अप्लाइंग द लॉ, और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं इशू या इश्यूज, जो कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में अलग अलग बोलते हैं, फैक्ट इन इशू और इश्यूज एटसेट्रा। सो ये जो इशू या इश्यूज, एक इशू हो या एक से ज्यादा इशू हो, जब आप सिविल केस की बात करते हैं तो सिविल केस में पहले जिस बंदे को रिलीफ चाहिए कोर्ट में जाता है, जो प्लेंट याचना करता है, तो उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, जो प्लेंट तैयार करता है। सो प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट में पैरावाइज लिखता है कि माई नेम इज सो एंड सो, दिस वॉज माई प्रॉपर्टी, मिस्टर एक्स हु वॉज द सन ऑफ दिस हैज यू नो having possession of on my property from last 5 years etc. और फिर जो सेकेंड पार्टी है वो इसको डिफेंड करती है, तो उसको डिफेंस साइड कहते हैं, और वो फाइल करती है रिटर्न स्टेटमेंट, इसका रिप्लाई देती है। तो वो रिप्लाई देती है कि हाँ जी, जो और रिप्लाई जो है पैरावाइज होता है, पहला पैरा ये बता रहा है कि मिस्टर एक्स है तो ये सही है, मिस्टर एक्स ही है। सेकेंड ये बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी जो ऐसे ऐसे सिचुएटेड है, जो प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी वही सिचुएटेड है। लेकिन थर्ड जो ये कह रहा है कि मैंने कब्जा कर रखा है, ये मैंने कब्जा नहीं कर रखा, मैंने परचेज किया है और परचेज के मेरे पास कागज हैं। तो जो कंट्रोवर्सी जो है, रियल कंट्रोवर्सी जो इश्यू बनेगा, वो ये बनेगा कि जो बी है, वेदर ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और ए इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो ऐसे इश्यू या एक से ज्यादा भी इश्यूज होते हैं, दैट इज थर्ड थिंग। द फोर्थ वन इज द आर्ग्यूमेंट्स। बोथ पार्टी आर्ग्यू, चाहे वो हल्का आर्ग्यू करे या नहीं आर्ग्यू करे। कई बार पार्टी के पास लॉयर नहीं होता है तो अमाइकस क्यूरे मीन्स द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उसको भी अपॉइंट करते हैं। अगर पार्टी बहुत गरीब है, वुमेन है, कस्टडी में है, तो उसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है, और हमारी LC1 में आपने देखा होगा बड़ा वो क्लिनिक भी चलती है, और उसके साथ में जो हम पैरा लीगल वॉलेंटियर्स भी तैयार करते हैं। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू जो है उनको भी लॉयर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। सो वो आर्ग्यू करते हैं, बोथ साइड विल आर्ग्यू, और आर्ग्यूमेंट दोनों के आर्ग्यूमेंट ब्रीफ में आपको देखने हैं, बिकॉज आप कोई चीज़ कह रहे हो तो उसके पीछे क्या लॉजिक है। आर्ग्यूमेंट से आप कोर्ट इम्प्रेस हो या ना हो, बट आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड करते हैं। एंड द लास्ट, द फिफ्थ वन इज द डिसीजन ऑफ द केस। सो हियर डिसीजन ऑफ द केस डज नॉट मीन
दैट यस और नो। जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो सिविल कोर्ट में अगर आपने कोई जो केस फाइल किया है, प्लेंट फाइल किया है, तो कोर्ट यही बोलेगा अगर आपके फेवर में है तो, अगर आप प्लेंटिफ और अगर आपके फेवर में हो तो कोर्ट एक शब्द बोलता है, जज बोलेगा सूट इज डिक्रीड, डिक्रीड, डिक्री मतलब आपके फेवर में, ओके। और अगर आपने सूट डाला और आपके फेवर में नहीं है तो सूट इज डिसमिस्ड, और डिसमिस्ड, आपका नंबर आया सुबह से, आप कोर्ट में इंतजार कर रहे हो, जज ने एक शब्द बोला, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, फिर लॉयर आपको आके बाहर बताएगा कि आपका केस खारिज हो गया, आपका जो सूट था वो डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। तो लेकिन ये डिसीजन नहीं, उसके बाद में जब डिक्री आएगी, जब ऑर्डर आएगा, तो उसमें पूरा फॉर्म आएगा कि क्या रीजनिंग था कोर्ट को उसको रिजेक्ट करने के पीछे। सो हियर डिसीजन मीन्स रीजन डिसीजन, and this is very important principle even for the order of the quasi judicial body, the decision should be reason decision, there should be reason to be given. jo hum next case karenge cci versus steel authority of india limited, usme ek issue tha kya order jo pass karega cci kya wo reasoning dena zaruri hai, aur supreme court ne kaha ki yes, every order should be reasoned order. so these are the five things: facts of the case, case history, issue or issues, arguments by both the party, and the reasoned decisions. Now, अब facts हम देखें कि facts very simple हमने इसमें पढ़ी, और facts में specifically आपने देखा कि जो Union of India जो law लेके आई Competition Act 2002, in that act there is the constitution of the CCI, and the CCI has both the function as an executive body, as a market regulator expert body, and also as an adjudicatory body. The function in the essence of the this adjudicatory body are just like the tribunal. It has the power to review, direct appeal will go to the Supreme Court, it has the registrar as its officer, it has the different benches, and all these suggest that in essence the main function of the CCI is the, you know, the adjudicatory body. But jab adjudicatory body hoti hai to SP Sampath Kumar versus Union of India mein hai ki agar koi body jiska function in essence adjudication hai to uska presiding officer hamesha judge hi hona chahiye, lekin section 8 mein humne padha ki wo judge bhi ho sakta hai Supreme Court ka ya High Court ka, aur koi expert member bhi ho sakta hai. That means it is not necessary that it will always be judge. So kaha ki SP Sampath Kumar versus Union of India 1987 1SCC page number 124 ke judgment ka bhi violation. Second, agar ye jo CCI in essence adjudicatory function karta hai to iska jo member jo select honge wo kaise select honge, section 9 kehta hai ki law ke dwara bana denge. पहला वाला अभी तो नया अमेंडेड है हमारे पास, जब आप बेरेक्ट में देखोगे तो नीचे आपको मिलेगा फुटनोट पे, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड यू नो अदर मेंबर रूल्स, और उसका रूल नंबर 3 जो है वो कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, रूल नंबर 3 को स्पेसिफिकली चैलेंज किया गया, और रूल नंबर 3 जो आपका यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रूल नंबर 3 है. सो रूल नंबर 3 दैट सेंट्रल गवर्नमेंट वाज टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी ऑफ ए पर्सन हु हैज बीन रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और चेयरपर्सन और ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश्ड, और इस पे ब्रह्मदत्त ने कहा कि अगर कोई ट्राइब्यूनल है तो उसका जो कमेटी जो सेलेक्ट होगी उस कमेटी में या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए उस कमेटी का हेड, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बिकॉज जो बॉडी बन रही है दैट विल बी एडजुडिकेटरी बॉडी. सो पहली बात तो जो सीसीआई का चेयरपर्सन होना चाहिए वो दैट मस्ट बी फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड, एंड सेकंड की रूल 3 में जो कमेटी बनेगी जो कि सेलेक्ट करेगी चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ सीसीआई, उस कमेटी का भी हेड कोई जज या कोई पर्सन जिसको 25 साल का एक्सपीरियंस है वो बन सकता है. लेकिन ब्रह्मदत्त ने कहा कि नहीं,
अगर कोई एडजुडिकेटरी बॉडी है तो उसके अंदर मेंबर का अपॉइंटमेंट करने वाली बॉडी में या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना चाहिए या उसका कोई नॉमिनी होना चाहिए। सो इन चीजों के ऊपर द ब्रह्मदत्त आर्ग्यूड वन दैट इन लाइट ऑफ एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई मस्ट बी अ पर्सन हु इज और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द जज ऑफ द हाई कोर्ट दैट मीन द चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई मस्ट बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड बट सेक्शन 8 इज नॉट मेकिंग इट कंपल्सरी दैट की वो जुडिशियल बैकग्राउंड से हो। सेकेंड जो राइट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल मेंबर ऑफ द कमीशन है दैट रेस्ट विद सीजीआई और हिज नॉमिनी। जो सेक्शन 9 के अंडर की कमेटी की ये जो सीजीआई के चेयरपर्सन या मेंबर कैसे सेलेक्ट होंगे कि उसके लिए सेक्शन 9 कहता है कि गवर्नमेंट रूल बनाएगी और गवर्नमेंट ने रूल बनाया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सेलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर रूल्स 2003। और इन रूल के रूल नंबर 3 में कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमेटी बनाएगी उसका जो है कोई जज हो सकता है या कोई भी बंदा जिसकी एक्सपर्टीज है 25 साल की डिफरेंट फील्ड्स में दैट कैन बी हैड। सो ब्रह्मदत्त कहता है कि नहीं, जो ये जो कमेटी बनेगी जो कि सेलेक्ट करेगी इसका जो है वो जो प्रेसिडेंट है वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा या उसका कोई नॉमिनी बनेगा बिकॉज ये जो मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ये एक एडजुडिकेटरी बॉडी के लिए मेंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। सो दीज वर द 2-3 आर्गुमेंट्स फॉरवर्डेड बाय द यू नो ब्रह्मदत्त बाय दिस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। नाउ द आर्गुमेंट्स बाय गवर्नमेंट द आर्गुमेंट्स बाय यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया ने 3 आर्गुमेंट दिए। पहला आर्गुमेंट दिया कि जो हम इस्टेब्लिश किए हैं सीसीआई कॉम्पिटिशन एक्ट में दैट सीसीआई वाज ए रेगुलेटरी बॉडी, इट वाज एन एक्सपर्ट बॉडी और एक्सपर्ट बॉडी के लिए हमें एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत है तो हम सीसीआई के चेयरपर्सन को केवल जज बना देंगे तो एक्सपर्ट क्यों होगा और किसी भी ट्राइब्यूनल किसी भी जो कसाई जुडिशियल बॉडी या ट्राइब्यूनल जो स्पेसिफिकली होते हैं उसके 2-फोल्ड पर्पज होते हैं क्योंकि एक तो नॉर्मल कोर्ट टाइम ज़्यादा लेता है क्योंकि सीपीसी फॉलो करता है इसलिए ट्राइब्यूनल जो है सीपीसी फॉलो नहीं करता है केवल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है और इसलिए टाइम कम लगाता है मैटर को डिसाइड करने में। सेकंड जज जो कोर्ट्स होते हैं दैट इज प्रेसाइडेड ओनली बाय जुडिशियल माइंड उसमें केवल जजेज होते हैं एंड जजेज आर एक्सपर्ट इन लॉ बट दे मे नॉट बी एक्सपर्ट इन द स्पेशल फील्ड दैट इज रिक्वायर्ड एंड सो जो आपका ट्राइब्यूनल है उसमें एक्सपर्ट मेंबर के लिए जगह होती है। तो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि पहला आर्ग्यूमेंट कि ये रेगुलेटरी बॉडी है एक्सपर्ट बॉडी है इसलिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है एंड दैट्स व्हाई वी हैव नॉट मेड इट मैंडेटरी कि जो प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन होगा सीसीआई का वो केवल जुडिशियल बैकग्राउंड से हो। सेकेंड उन्होंने कहा कि जो ये आप आर्ग्यू कर रहे हो कि यहाँ पे हाई कोर्ट को भी बाईपास कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को दिया गया या जो सीसीआई है उसके पावर रिव्यू की पावर है सेक्शन 37 में दिस इज यू नो दिस कैन नॉट बी ग्राउंड बिकॉज सो लॉन्ग एज द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकन अवे द राइट ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ द स्टैट्यूट टू कमीशन कैन नॉट बी सक्सेसफुली चैलेंज। और जो एल चंद्रा कुमार में यही आर्गुमेंट था कि अगर रिव्यू पावर नहीं ली गई तो दैट इज प्रॉपर। थर्ड गवर्नमेंट सेड दैट वी हैव नॉट क्रिएटेड ए यूनिक थिंग, इस तरह की एक्सपर्ट बॉडी तो अमेरिका के अंदर भी है फेडरल ट्रेड कमीशन बाकी कंट्रीज में है, वी आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट इज एट द वर्ल्ड लेवल एंड सो इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री विच अपॉइंटेड सच ए कमीशन प्रेसाइडेड ओवर बाय द एक्सपर्ट पर्सन क्वालिफाइड इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन अदर देन द जुडिशियल ऑफिसर दिस इज यू नो प्रिवलेंट इन अदर कंट्रीज आल्सो। नाउ द इशू जो है इशू इज वेदर दिस सेक्शन 8 वेदर दिस सेक्शन 9 अलॉन्ग विद दिस रूल्स सीसीआई सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर सेक्शन 9 एंड दिस रूल 3 इन द स्पेसिफिक एंड द होल पोजिशन ऑफ द सीसीआई अलॉन्ग विद सेक्शन 24 25 17 37 whether this whole scheme is itself
unconstitutional or not. This was the issue. But before the Supreme Court decide this case, the government को भी किसी lawyer उनके expert ने कहा कि नहीं, बात तो सही कह रहा है, है तो problematic. हमने जो CCI बनाया ये बना क्या दिया है, हमने इसको एक्सपर्ट बॉडी भी बना दिया, साथ में इसको एडजुडिकेटरी बॉडी भी बना दिया, ट्राइब्यूनल की फॉर्म में भी बना दिया है, ये अपने ऑर्डर भी रिव्यू कर रहा है, तो ऑर्डर तो कौन रिव्यू करता है, ट्राइब्यूनल, और वही रिव्यू करते हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पेंडेंसी के द्वारा, और उसी चक्कर में जो है CCI का कोई चार्ज भी लेने को तैयार नहीं था, CCI इस्टेब्लिशमेंट कर दिया, लेकिन उसका जो चेयरपर्सन कह रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में केस है, आई विल नॉट टेक द चार्ज, फायदा ही क्या है जब केस ही चल रहा है. तो फाइनली यूनियन ऑफ इंडिया फाइल 2 एफिडेविट, और उन एफिडेविट में यूनियन ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया दैट दे विल मेक द चेंजेस एज सजेस्टेड बाय द कोर्ट, एज कंटेंडेड बाय द पिटिशनर, और वो चेंजेस लेके आएंगे. और इस इन एफिडेविट के बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर देती है कि वी आर नॉट गोइंग इनटू द मेरिट, बट व्हाट द यूनियन ऑफ इंडिया हैज प्रॉमिस, वी डिसमिस दिस पिटीशन, बट ऑल क्वेश्चन विल रिमेन ओपन. ये जितने भी क्वेश्चन है ये ओपन रहेंगे बिकॉज दे आर नॉट डिसाइडेड. ओके, नाउ कम टू द केस. आफ्टर दिस सेकेंड पैरा, दिस थर्ड पैरा यू विल रीड, एंड दिस थर्ड पैरा इज अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स, जो कि मैंने बताए हैं वो सारे आर्ग्यूमेंट हैं. अब आर्ग्यूमेंट्स में आपको कहाँ तक पढ़ने हैं, ये यहाँ तक जो मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स बाय द पिटिशनर. दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. एंड आफ्टर दिस ये जो लाइन शुरू होती है, द आर्ग्यूमेंट्स इन बिहाफ आर मेट बाय यूनियन ऑफ इंडिया, सो द रेस्ट ऑफ दीज यहां से यहां तक आप लिख लीजिए, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स बाय द यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके बाद में ये पैरा फोर शुरू होता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी रिट पिटीशन टू एडिशनल एफिडेविट वर फाइल्ड, जो कि मैंने बताया. एंड फाइनली व्हाट द कोर्ट हैज डिसाइडेड इज इन द पैरा नंबर 6. पैरा नंबर 6 जो है उसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, दैट इज देयर. कैन एनी ऑफ यू रीड इट? कोई पढ़ सकता है इसको? हेलो, हाँ जी पढ़िए. हाँ पढ़िए इसके. यस यस, और अमरेंद्र यू रीड, इको कर रहा है इनका. यस सर. We may observe that if an expert body is to be created and submitted on behalf of the Union of India, consistent with what is said to be international practice, it might be appropriate for the respondent to consider the creation of two separate bodies, one with expertise dated advisory and regulatory, and the other adjudicatory. This followed up by an appellate body as contemplated by the proposed amendment can go a long way in meeting the challenge sought to be raised in this petition based on the doctrine of separation of power recognized by the Constitution. Anyway, it is for those who are concerned with the process of amendment to consider that aspect. It cannot be gainsaid that the commission as now contemplated has a number of adjudicatory functions as well. Thank you. So court ne specifically observe kiya hai ki agar Union of India ko international standard follow bhi karne hain aur agar unko ek expert body chahiye to aap do body banao, ek expert body banao aur uske baad mein ek aap adjudicatory banao, ट्राइब्यूनल बनाओ जो कि डिसाइड करे. एक ही बॉडी को फंक्शन देने से तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि जो फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू ने पहले प्रपाउंड किया और फिर धीरे धीरे सब कॉन्स्टिट्यूशनों में जाती रही, सो उसका वॉयलेशन होता है. एंड गवर्नमेंट ने ये प्रोमिस किया और ये डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया. नाउ नेक्स्ट पैरा में आपने देखा
I'm reading, thus leaving open all the question. Leaving open all the question. That means these are not decided ki ye karta hai, violate nahi, but it is only directed and the petition is dismissed, petition is rejected because the Union of India has given the promise that we will make the necessary amendment in the Competition Act. So leaving all the question regarding the validity of enactment, these eighth, the writ petition is disposed of, leaving open all the relevant question. So para 6 and para 7, para 8.